हेलो गाइस, पानियर कोचिंग क्लासेस डीके सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। इधर से आप लोग चित्र देख रहे होंगे, चित्र बना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखो करा है समांतर प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक। करा माना दो प्लेटें, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें यक्स और वाई हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना, कुछ रटना नहीं। चलिए चित्र से देखते हैं। करा माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें यक्स और वाई से मिलकर बना है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा दोनों प्लेटों के बीच दूरी स्मॉल डी है, ठीक है ना। दोनों प्लेटों की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवे से तथा प्लेट वाई को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब पृथ्वी से जोड़ते हैं प्लेट वाई पर आवेश आ जाता है, और जिसके जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। इसमा से मगर देते हैं ना, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, ए होता है, ठीक ना। जिसके करा एक समान वैद्युत क्षेत्र, करा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे प्लेटों के बीच, है ना। चलिए देखते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालने जा रहे हैं। देखो यहां निकालेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे। तो जिसके माध्यम क्या है, परावैद्युतांक के, ठीक है ना। देखिए तो निकल के आएगा इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट निकल गया था। Is equal to sigma upon k epsilon not हो जाता है, ठीक है। जहां epsilon not निर्वात की वैद्युत शीलता है, ठीक है। जहां epsilon not क्या है, निर्वात की वैद्युत शीलता है। अब इनके प्लेटों के बीच हम लोग विभवांतर निकाल, ठीक है ना। देखिए इनके प्लेटों के बीच विभवांतर निकाले जा रहे हैं ना, प्लेटों के बीच विभवांतर होता है v इक्वल टू हो जाता है e इंटू डी। आप लोग पढ़ेंगे e इक्वल टू होता है v अपॉन d से, तो यहां से इनके प्लेटों को इधर गुणा करा देंगे तो v इक्वल निकल के आ जाता है, ठीक है ना। इससे हम लोग इतना है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ e का मान यहाँ आकर उठाव कर सकते हैं, e का मान इसमें रख सकते हैं, तो v इक्वल हो जाएगा सिग्मा d अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। यहाँ किसका मान रख दिया गया, यहाँ e का मान जो आया है सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट उठाव कर दिया गया, ठीक है। अब सिग्मा का मान क्या होगा, सिग्मा इक्वल होता है q अपॉन a, इसका भी मान उठाव कर देते हैं, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा कितना, q d अपॉन यहाँ है ना, ए क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं सिग्मा चूर क्या रखा गया है, क्यू अपान ए रख दिया गया, ठीक है ना, क्यू अपान ए रख दिया गया। अब देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से, है ना, धारिता से, तो क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब V का मान हम लोग यहाँ पुट अप कर सकते हैं, ठीक है ना। V का मान यहाँ पुट अप करेंगे तो देखिए यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q V का मान क्या आ जाएगा, यहाँ Q D K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक, K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ए आपका सी तो रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा क्यू रहेगा, ठीक है ना, ए इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा क्यू इंटू डी, क्यू से क्यू को हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आ जाएगा,
डी ए निकल के आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बनाते हैं फर्स्ट, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के का मान क्या होता है वन, के का मान क्या हो जाता है वन हो जाता है। तो अब हम लोग वायु में निर्वात में लिए हैं, इसकी जो धारिता हो जाएगी वायु में सी नॉट ले लेंगे और के का मान हो जाएगा ए अब साइलेंट नॉट अपॉन डी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं इसको टू बना लेते हैं। ए निकल गया अगर सी नॉट क्या है यहाँ को जो है निर्वात में इसकी धारिता हो गई ठीक है ना। अब समीकरण एक में, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, भाग देने पर जैसे हम लोग भाग देते हैं तो C अपॉन C नॉट हो जाएगा ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा A अपॉन नॉट से बनकर के क्या बचेगा K, क्या बचेगा K, A भी निकल के आ जाता है इसी में ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि परावैद्युतांक माध्यम में धारिता और वायु में वायु निर्वात में धारिता के अनुपात क्या होता है परावैद्युतांक के बराबर होता है ठीक है ना। इसी पे भी सवाल आते हैं। तो देखिए मित्रों अगर आपको कहता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालिए तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं एक बार हम आपको इसका रिविजन कर देते हैं ठीक है ना। देखिए करो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें x तथा y से मिलकर बनी है जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा दोनों प्लेटों की भी दूरी क्या है स्मॉल d है ठीक है ना। प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देने पर तथा प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ने पर उसमें माइनस क्यू आवेश आ जाता है तथा जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है ठीक। अब हम निकालते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की, इनके जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से वितरित है ठीक है ना, एक समान है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ठीक है। यहां से जहां एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाती है। अब प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर निकालते हैं तो जाता है वी इक्वल टू ई इंटू डी हो जाता है तो ए इधर आएगा तो हम लोग ई का मान यहाँ से पुट अप कर देते हैं यहाँ पर रख देते हैं तो वी इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ई का मान यहाँ रखें ब्रेकर में दिया गया है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है ये तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो यहाँ पे मान रख दिए यहाँ क्यू अपॉन ए हो जाए के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से तो सी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन वी से यहाँ मान रख देते हैं ठीक है ना। के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा क्यू से क्यू कैंसिल हुआ सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट क्या आता है डी आ जाता है ठीक। क्या आता है डी वाई और निर्वात में इसकी जो मान होता है ए का परावैद्युतांक मान वन हो जाता है तो ई आता है वाई में इसकी जो धारिता निकल जाती है सी नॉट हो जाती है। तो समीकरण एक में समीकरण हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल के आता है एक है ना सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के। आई होप मित्रों आपको समझ में आया होगा ए आपके था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। मित्रों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।